हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन झा एंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरजेनिक इनहेरिटेंस का लास्ट कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टासिस एंड ड्यूप्लीकेट जीन। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटर जीन। सो कोलैबोरेटर जीन जो है इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज कोम्ब पैटर्न इन पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स के सर पे आपने वो अलग अलग स्टाइलिश वो कोम्ब पैटर्न देखा रहेगा। सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर थ्रू कोलैबोरेटर जीन। और ये मैंने RNP जो अलील श्री है उसके थ्रू मैंने पूरा डायबिटिक क्रॉस परफॉर्म करके रख लिया है, आप लोग भी करके रेडी हो जाइए। एंड कोलैबोरेटर जीन में सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, कि जब भी कैपिटल R एंड कैपिटल P साथ में आए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड कोलैबोरेशन की वजह से दे प्रोड्यूस वॉलनट पैटर्न। वॉलनट पैटर्न ऑफ कोम्ब इज प्रोड्यूस व्हेन RNP कम टुगेदर बिकॉज दे कोलैबोरेट। अगर सिर्फ कैपिटल R आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, वो प्रोड्यूस करता है रोज पैटर्न। अगर ओनली कैपिटल P आता है तो वो प्रोड्यूस करता है P पैटर्न ऑफ द कोम। एंड अगर दोनों में से कोई भी नहीं आते, मतलब रेसेसिव जीन्स आते हैं, देन दैट प्रोड्यूसेस सिंगल कोम्ब पैटर्न। तो ये चार अलग अलग कोम्ब पैटर्न है, दैट इज द वॉलनट पैटर्न, रोज पैटर्न, P पैटर्न एंड सिंगल कोम्ब पैटर्न दैट इज ऑब्जर्व। सो यहाँ पे ये कोलैबोरेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जैसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री में जब भी दोनों साथ में आ रहे थे डोमिनेंट जीन्स तो एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे आप देखें तो इंडिविजुअली भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे ये कोलैबोरेशन पे ही अलग पैटर्न आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो इसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे RNP दोनों कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वॉलनट, यहाँ पे भी RN कैपिटल P है तो वॉलनट RN कैपिटल P वॉलनट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं एक ऐसा रेशियो आने वाला है जो जाना पहचाना सा लगेगा, RP वॉलनट। कैपिटल R सिर्फ है, कैपिटल P नहीं है, तो यहाँ पे आएगा रोज पैटर्न। यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल P दोनों है, वॉलनट। कैपिटल R सिर्फ है, रोज पैटर्न। कैपिटल R कैपिटल P अगेन वॉलनट, अगेन वॉलनट। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल P है, कैपिटल R नहीं है, तो यहाँ पे P पैटर्न। यहाँ पे भी सिर्फ कैपिटल P है, P पैटर्न। यहाँ पे दोनों आ गया वॉलनट। यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैपिटल R है मतलब रोज पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल P है, P पैटर्न, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सिंगल। सो अपने को चार टाइप को, हम लोग को चार टाइप के फिनोटाइप्स मिल रहे, दैट इज वॉलनट पैटर्न या फिर रोज पैटर्न या फिर P पैटर्न या फिर सिंगल पैटर्न। तो चार टाइप के फिनोटाइप्स है, इसको जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों अगेन सेम आएगा। तो वॉलनट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वॉलनट आ रहे हैं 9। रोज पैटर्न में 1, 2 एंड 3, पी पैटर्न में 1, 2, 3, सिंगल में 1। तो जैसे मैंने बताया एक जाना पहचाना सा रेशियो आएगा, तो जो मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है वही यहाँ पे आ रहा है 9:3:3:1। तो ये बाई चांस कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है बिकॉज वो कॉन्सेप्ट अलग था। वहां पे अगर याद हो तो वो 9:3:3:1 रेशियो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए आ रहा था, जैसे कि राउंड येल्लो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येल्लो। यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए आ रहा है, कोम पैटर्न के लिए। एंड ये नॉन अलीलिक या इंटरजेनिक है, सो यहाँ पे कोलैबोरेशन की वजह से ही आ रहा है। सो ये 9:3:3:1 का रेशियो आ रहा है। लास्ट में आपको एक असाइनमेंट दे दूँ, आप उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सपोज r, स्मॉल p एक पैरेंट है, दिस इज स्मॉल p एंड क्रॉस कर रहे हैं विद R, कैपिटल P, स्मॉल p। तो इसका आप ऑफस्प्रिंग्स बनाइए और ये जो कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट है आप यूज करके उसका जो भी रेशियो आएगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे ट्रिक्स की वजह से आपको डेफिनेटली सिंप्लीफाइड लगेगा। बट वो ट्रिक्स याद रखना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में अगर कोई भी रैंडम जीनोटाइप दिया जाए। सो दिस वी एंड हियर विद इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म।